इंस्टीट्यूट में सात्विक भोजन बनाता हूँ। मैं यहाँ का मेन शेफ हूँ। यहाँ कोरोना वायरस के चलते सात्विक भोजन हम भेजते हैं BMC, ट्रैफिक पुलिस, एयरपोर्ट पुलिस, बकोला थाना पुलिस, ये सभी को खाना भेजते हैं। द योग इंस्टीट्यूट सांता क्रूज ईस्ट, यहाँ इस समय हम काफ़ी लोगों को सवेरे, दोपहर, शाम, रात का खाना दे रहे हैं। हम जो भोजन करते हैं वो भोजन भी इस तरह का हो कि जिससे इम्यूनिटी बढ़े, वो सात्विक हो, पचने में हल्का हो, जिससे शरीर में उससे स्ट्रेस और स्ट्रेन ना पड़े। सात्विक भोजन खाने के बाद में उनके शरीर की स्थिति बहुत एनर्जेटिक और अच्छी हो जाती है। ये पुलिस वाले और ये म्यूनिसिपैलिटी वाले बार बार यही कहते हैं कि आपके भोजन से हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हल्का लगता है और एक सेटिस्फैक्शन होता है। योगा इंस्टीट्यूट से जो खाना हमको मिलता है वो खाना बहुत ही बढ़िया है, और हमारे ऑफिसर और हमारे कांस्टेबल जिसका भी खाना भी नहीं रहता तो उनके लिए वो हम रोज लेके जाते हैं वहाँ से। हम लोग को दो टाइम खाना मिलता है, नाश्ता मिलता है, दो टाइम जो भी है मिलता है, वो आ जाओ लेके जाओ, मंगते उतना देते हैं। ऐसा नहीं कि तुमको 10 ही मंगते, 5 ऐसा कुछ नहीं, मंगते उतना लेके जाओ, तुम भी खाओ और गरीब को भी दे। हम लोग योगा से खाना रोज लाते हैं, हर जगह हमारा जो भी स्टाफ है उन लोग को हम सप्लाई करते हैं। हम लोग की औरत बोलती है कि डब्बा क्यों नहीं लेके जाते, वो गड़बड़ी में, मेरे को उधर से खाना मिलता है, बहुत अच्छा रहता है। बहुत अच्छा ये मिला है, योगदान मिला है और अच्छे से हम लोग सप्लाई करते हैं। हमारे महाराज जो आप देखोगे किस तरह खाना बना रहे हैं, हमारे सारे वर्कर्स वो सब इंस्टीट्यूट में रह रहे हैं और वो सब भी मदद कर रहे हैं ये खाने का पैकिंग कर उन्हें देने में, मदद करने में। मेरा लोगों से निवेदन है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, सात्विक भोजन खाएं, स्वस्थ रहें। जनता को इतना ही बोलना है कि अपना जो घर साफ सफाई रखो। लोगों को मेरा यही कहना है, आप घर में रहो, सुरक्षित रहो, और लोगों हम पुलिस वाले को और सब बाकी के प्रशासन को सपोर्ट कीजिए। ये पूरा विश्व जो इतनी बड़ी कठिनाई से गुजर रहा है, सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं और यही आगे भी हम करते रहेंगे। हम सब मिलकर काम करेंगे, हम सब इंसानियत के बारे में सोचेंगे, सिर्फ अपने बारे में ही नहीं। तो बस आगे बढ़ते चलो, अपना ध्यान दो और सबका ध्यान दो। नमस्कार।